और यूं इसको खेलना है मिड ऑन की जानेब और बिलाखिर पाकिस्तान ने पहला ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया। और फातिमा सनम, जिनके हवाले से बहुत बात हुई कि एज एन ओपनिंग बॉलर जो इन रोड्स क्रिएट करनी पड़ती हैं उससे महरूम थी, लेकिन आज एक मुख्तलिफ दिन है। अच्छी हार्ड लेंथ बॉल थी, ज्यादा एलिवेशन हासिल नहीं कर सकी मिड ऑन पे, निदा डार के हाथों में गई और आउट। अच्छा कैच और विकेट हासिल हुई फातिमा सना को। या अच्छे जोरदार तरीके से शॉट मारा था, लेकिन अच्छी प्लेसमेंट बिस्मा की जानिब से, फील्डर मिड विकेट पे मौजूद थी और एक अच्छी विकेट हासिल की। ये कॉन्फिडेंस के लिए इनके लिए बहुत जरूरी है फातिमा के लिए। फातिमा सना, ओ बॉल कर दिया, क्या ही शानदार डिलीवरी है, ये कमाल की बॉलिंग है, बहुत ही उमदा बॉलिंग, कंप्लीट यॉर्कर और अच्छा पेस को यूज किया, स्लोअर बॉल की यॉर्कर लेंथ पर और बोल्ड कर दिया, शानदार डिलीवरी, बेहतरीन। Straight down the ground, bottom hand coming into play and straight to Alia. That's the end of Nilakshi. Ninth wicket down, couldn't really capitalize on getting that distance. Pakistan's catching has been generally very good, especially in the deep. She judged that one perfectly, she saw it all the way and in the end pouched it safely. Four wickets for Fatima Sana as well, back amongst the wickets.